आज टुंडी स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD श्याम पांडे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता स्नेहा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मनोरंजन सिंह और रामजी यादव के तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद आए हुए अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD श्री श्याम पांडे एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता स्नेहा सिंह ने केक काटकर लालमणि सेवा आश्रम के सदस्यों को केक खिलाकर बधाई दी एवं आश्रम में रह रहे लोगों के साथ मिलकर खाना खाया। अबे कार्यक्रम हो गया, अब बेटा आ गई। मजा आ गया तो छोटा-छोटा कर देते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। खाइए खाइए। सब कुछ। हाँ। वहीं इस मौके पर आश्रम के संस्थापक सह अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारी अध्यक्ष बी सुधीर, सह सचिव सुरेंद्र यादव, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार आशीष सिंह, सुबल सिंह, शांति देवी, दीपक परमाणिक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD श्याम पांडे ने कहा कि आज हम लोग लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम का 15वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने केक काटकर एवं आश्रम में रह रहे लोगों को केक खिलाकर स्थापना दिवस मनाए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जरूर इस आश्रम में आए और यहां रह रहे लोगों के बीच कुछ पल बिताए, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज हमारा लालमणि वृद्धा आश्रम का 15वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही खुशी से अपने स्थापना दिवस को अपने जितने भी परिवार है हम उनके साथ आज मना रहे हैं। और यह स्थापना दिवस यह बताता है कि हम लोग हर साल या साल पे साल हम लोग बहुत अच्छे से स्थापित होते जा रहे हैं। और क्योंकि लालमणि वृद्धा आश्रम आज के डेट में इस पूरे जोन में एक ऐसी संस्था हो गई है जो कि एक मतलब बोला जाए कि मैंने जो भी कहीं पर भी किसी को भी सहारा ना मिल रहा हो वो उनकी एक ही नज़र एक ही बात रहता है, वो लालमणि वृद्धा आश्रम रहता है। तो लालमणि वृद्धा आश्रम आपके लिए भी एक चीज़ें हैं। आप पूरे धनबाद वासी, झारखंड वासी और जो भी इस आपके माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उन्हें एक बार इस आश्रम में आने का अनुग्रह करूँगा। आइए और किस आके यहाँ पे अपने जो वृद्ध हैं जो हैं उनसे मिलिए। इनको कुछ भी चीज़ें नहीं ज़रूरत है, इनको कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आवश्यकता है अपनों की, अपने परिवार की। तो आप आइए, इनका परिवार बनिए और इनके साथ घुलिए, मिलिए, समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा, इन्हें भी अच्छा लगेगा। और लालमणि वृद्धा आश्रम आप सबको इस चीज़ का निमंत्रण देता है आज का स्थापना दिवस पर आपको
अनुग्रह करता है कि आप लाल मणि वृद्धा आश्रम से जुड़ें और सब सब आएँ और यहाँ पे हम सब से भी मिलें और लाल मणि वृद्धा आश्रम के साथ एक और कड़ी और कड़ी पे कड़ी हम लोग इसको और क्रमशः इसको बढ़ाते रहें। धन्यवाद। वही आए हुए अतिथि स्नेहा सिंह ने कहा कि मैं आज आश्रम में आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ दुख भी हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी बेटा बेटी हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी हर खुशी में उनके माँ बाप कितना कष्ट सहकर उन्हें खुशियों को पूरा करते हैं। इसलिए मैं उन सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने माँ बाप को आश्रम से ले जाकर उनकी सेवा करें, क्योंकि एक दिन आप भी आपका भी ऐसा ही समय आएगा जब आपके बेटा या बेटी भी आपको घर से निकाल देंगे। आज मैं आश्रम में रह रहे लोगों से मिली, आँख भर आया और मैं लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार ज़रूर इस आश्रम में आए और उनके खुशियों में शामिल हो। बहुत अच्छा लग रहा है और वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ यहाँ आके। बहुत दिनों से मुझे यहाँ आना था, मैंने संस्था के बारे में सुना था और मुझे पता लगा इस संस्था के बारे में, नौशाद जी के बारे में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके बाकी दोस्त लोग भी जो मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने बूढ़े लोगों जिनके फैमिली नहीं है, जिनके फैमिली ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया है, और उनको अपना परिवार बनाना और उनके लिए रहना सिर्फ फाइनेंशियल तरीके से नहीं, लेकिन मैंने देखा अपने आंखों से आज की किस तरीके से बेटे बन के वो काम कर रहे हैं। तो नौशाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप वैसे ही करते रहिए। और मैं बॉम्बे से आई हूँ और मैं भी आते रहूँगी। क्या कहेंगे उन बेटों को जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया? उन बेटों को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि वो लोग लायक नहीं है, वो लायक ही नहीं है कि इनका प्यार पा सके। तो अच्छा है वो यहाँ रहें और खुश रहें। ऐसे लोग जो वर्थ इट ही नहीं है, उनके बारे में क्या बोलें, वो है ही नहीं। तो वो उनका उनका कर्म है जो उन्होंने किया है, वो एक दिन वो भी तो बूढ़े होंगे, वो भी इस प्रोसेस से एक ना एक दिन गुजरेंगे। तो आज उनको समझ नहीं आ रहा, जिस दिन आएगा उस दिन बहुत बुरे तरीके से समझ में आएगा और पछताएंगे वो ये कि उन्होंने ये किया है। बट ठीक है, आज जो है आज ये अपने माहौल में कम से कम सर ऊँचा करके रह सक रहे हैं, अपने यहाँ पे दोस्त बनाए हैं, कोई राम बोलता है, कोई लक्ष्मण बोलता है, अपने आप में कोई लैला मजनू यहाँ है। तो अच्छा लगा देखकर कि ये लोग खुश हैं। आज अच्छा दिन भी है, आज स्थापना दिवस के दिन आप आए? आज स्थापना दिन के दिवस में मैं आई हूँ और ये मैं बोलूँगी कि ऊपर वालों का ही, ऊपर वाले ने एक कुछ कुछ आशीर्वाद दिया है मुझे कि ये बाय चांस हो गया, कोइंसिडेंटल हो गया कि मैं आई हुई हूँ धनबाद और मुझे आना था और मुझे ऊपर वाले ने यहाँ एक मौका दिया आने के लिए और मैं सबसे मिल पाई, सबके साथ टाइम स्पेंड कर पाई, सबके साथ डांस किया और गाने गाए, केक खाया। ये खुशी, यही तो छोटे छोटे पल है जो याद रहते हैं। वहीं आश्रम के संस्थापक सह अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि आज हम लोग अपने आश्रम का 15वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ठीक आज से 15 साल पहले हम तीन दोस्तों ने मिलकर आश्रम की नींव रखी थी, आज दो दोस्त नहीं रहे, इसके बाद भी हम लोगों के साथ मिलकर इस आश्रम को चला रहे हैं और आप लोग की दुआ से यह आश्रम सही तरीके से चल रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने आश्रम में केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस मनाया। मैं 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD श्याम पांडे को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमारे आश्रम में आकर स्थापना दिवस में शामिल हुए। आज ही के दिन, आज के दिन 6 नवंबर, जो कि आज हम लोग तीन दोस्त इस जगह पर ईंट रखे थे, आज वो दोस्त नहीं है, आज उनकी कमी बहुत खल रही है। आज 15 साल हो गया इस आश्रम को चलते चलते और कई माँ बाप रहे, कई लोग आए, कई लोग गए। इस जगह पर सिर्फ सेवा की भाव है और हम लोग चाहेंगे पूरे परिवार जो आश्रम परिवार है, हमारे भी सुधीर जी हैं, शरण साहब हैं, श्याम पांडे जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, बहुत से लोग हमारे जान है इस आश्रम की, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से आज सबका साथ है और सब माँ बाप को अच्छा सेवा, अच्छा देखभाल हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज 15 साल
में बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी माँ बाप से यहाँ अगर वैसे हों ज़रूरतमंद, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे माँ बाप का ये सहारा है वृद्धाश्रम। 2006 दिसंबर को ये अपना आश्रम का नींव रखाया था। आज देखते देखते 15 साल हो गया, पता ही नहीं चला कि 15 साल कैसे बीत गया। और हमारे माँ बाप आते गए, जुड़ते गए, कारवां बनते गया और आश्रम बढ़ते गया। आज आश्रम में 33 माँ बाप हैं जिन्हें हम लोग सेवा दे रहे हैं, और जो बच्चे माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं या बच्चे नहीं हैं उनके माँ बाप को सहारा एक आश्रम बना हुआ है। आज हम लोग स्थापना दिवस में दीप प्रज्वलित करके हमारे जो फाउंडर हैं उनको माला अर्पण किया गया। उसके बाद और एक स्पेशल दोपहर का लंच की व्यवस्था की गई है, और माँ बाप के साथ भजन कीर्तन के साथ किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि हमारे माँ बाप के साथ हम लोग हैं, और एक बच्चे उनके नहीं, 10 बच्चे उनके साथ में हैं।